वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी करते हैं चाय नाश्ता। तो अभी चाय बन चुकी है, नाश्ता क्या रखा है देखिए, नाश्ता भैया। तो चलिए चाय पी लेते हैं भाई। चाय इधर चावल वावल बनने जा रहे हैं क्या? चावल बनने जा रहे हैं इधर। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और आज हमारे घर पे ये बनाने जा रही हैं। देखिए आलू छील लिए हैं छोटे छोटे, अभी ये लोहे की राड से फोड़ रही हैं। क्या बात है, कैसे बनाओगी इन्हें? फोड़ के बनाएंगे आज आलू। तो देखिए आलू फोड़ के बनाएंगी आज। ये वो आलू आधा उधर चला गया, बाद में धो लेंगे। तो ऐसे ही सारे आलू जो फोड़ लेंगी, फिर देखेंगे कैसे बनाती हैं, दिखाएंगे। तो कढ़ाई में डाल रही है तेल, तेल डाल दिया कढ़ाई में। जब तक तेल गर्म हो रहा है हल्दी मिर्च मसाला निकाल, जब तक तेल गर्म हो रहा है हल्दी मिर्च मसाला निकाल लेते हैं। मिलकर बना रहे हैं कुटे हुए आलू, जो लोग लोहे की राड से कूटे गए हैं मार मार के। फोड़ लिए हैं, फोड़ लिए। अभी तेल गर्म हो रहा है इधर, जब तक चटपटे चटपटे बिल्कुल सूखे हुए आलू बनाएंगे। ये हरा धनिया पानी में डूब रहा है, अभी डूब रहा है, काटेंगे। धो रहे हैं, धोने के लिए रख दिया, ठंडा गर्म हो गया, तेल गर्म हो गया है। इसमें लगा दिया है प्याज का तड़का, भूनो को आराम से। तो प्याज भुना नहीं है क्या? हाँ भुन गया है प्याज, प्याज भुन चुका है उसमें। हल्दी मिर्च डाल दिया है इसमें। अब चिल्ला के बता रहे हैं हल्दी मिर्च डाल दिया इसमें अब। तो इसे मसाला को भून लो, भून लेते हैं अच्छी तरह। ठंड लग रही है, धूप में जाने को भी नहीं मिला है, पूजा पाठ किया नहीं, हम तो कर चुके हैं। तो देखती है काफी अच्छा मौसम है आज, बाहर धूप निकली हुई है। बाबू हमारा और बिट्टू खेत पे गए। धनिया बोने के लिए, धनिया खाना जल्दी, जब तक हम कुछ कर लेते हैं। अभी भुन रहा है उधर मसाला और इधर कट रहा है धनिया अपने आप, तुम काट रही हो। हैं इधर कट गया धनिया, आलू अभी रखे हैं, हल्दी मिर्च भून के तैयार हो गया। ज्यादा नहीं तो जल जाएगा ये आलू। देखिए डाल दिया ये आलू कढ़ाई में और अच्छे से इन्हें मिला लेंगे भून को। खाना बन रहा है, बिस्तर भी ऐसे ही पड़ा है, सो के उठ गई हैं। है? लेटे थे तो बच्चे लेटे थे तो अब तो सही कर देती पकड़। देखिए नमक डाल दिया इसमें, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दे। और काफी दिन से फोड़ के आलू बनवाने को था तो आज इन्हें बना दिए, मुझे पता भी नहीं चला। अब कल कुछ और बनेगा, फोड़ के आलू बना दिए। डालिए पानी, पानी डाल के और इसे ढक के रख देंगे। बस इतना ही पानी डालो, सूखे बिल्कुल बनाएंगे, सूखे सूखे बिल्कुल, और ये अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए बन रही है सब्जी, अब जब तक सेंक लेती हैं रोटी। आटा पहले ही मार के रख लिया था सुबह ही, थोड़ी देर का आटा हो जाता है तो रोटियां अच्छी बनती हैं, तो आटा पहले ही मार लेते हैं। तो सेंक लीजिए, पहली रोटी गाय के लिए सेंक लीजिए।
तो इधर बन चुकी है सब्जी और ये बिल्कुल ये आलू बन गए हैं। कितने स्वादिष्ट दिखने में ही है, तो खाने में पता नहीं स्वादिष्ट है या नहीं है। क्यों नहीं होंगे? तो इधर हमारा इन्हें तो देखिए इधर खाना बन चुका है और हम रोटी रख ली है और सब्जी खाने जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, घर का सारा काम हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं अपने खेत पे, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। अभी लहसुन वगैरह है जिस जो गाड़े जा रहे हैं, तो खेत पे जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल खेल खेल, हाँ ए डग्गू ये साइकिल कहाँ उठा गया? अरे तुम्हारी साइकिल हो गया क्या? अरे ताला पड़ गया। तो ये लग गया है हमारे यहाँ पे जियो का टावर, अब नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाएगी दूर। देखिए कितना ऊंचा टावर लगा हुआ है, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है। अब इस गन्ने के बीच से रास्ता होकर जाता है, पतला रास्ता है, अभी हम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है हमारा खेत और अभी गेहूं की बुआई हो चुकी है। गेहूं है, गेहूं सरसों लाही और मसूर की बुआई हुई है। तो देखिए ऐसे खेत जुत के, इसमें इसमें मसूर है, उधर गेहूं है और इधर इस मरीज में सरसों की बुआई हुई है, इधर गन्ना छिल रहा है। तो देखिए मेरा बाबू यहाँ खेत पे था पापा के साथ में। और ये क्या लिया है बाबू? लकड़ी लिए है बाबू, लकड़ी लिए। इधर ये है हमारा इधर खेत, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी। देखिए उधर गन्ना छिलाई हो रही थी, गन्ना सारा गन्ना सूख गया था, तो अभी गन्ने की छिलाई हो गई है, अब इसमें गेहूं बोए जाएंगे। जैसा गन्ना बो दी तभी तभी तो बाबू चलें खेत, घर के घर पे चलें, ये अभी तो शाम होने वाली है। चलो, भूख नहीं लगी? लगी है। तुम तो काफी देर के आए थे। अभी क्या भी आए था, ये जामुन का पेड़। देखिए ये जामुन का पेड़ है बाबू, तुम भी कहने जा रहे हैं? काहे का पेड़ है? जामुन का, जामुन का। अभी छोटा है, अभी ये बड़ा होगा तो इसमें जामुन लगेंगे। यहाँ पे ये क्या है? कंडे। कंडे कितने बनाए? चंचल दीदी ने। चंचल दीदी ने, ये हमारा इंजन है इधर, ये इंजन, ये बोरिंग है यहाँ पे, उधर नल है। क्या है तुम्हारा? खेत है कि घर है? ये है खेत, ये बाबू का खेत है। देखिए इसमें ऐसे मेट डाल दी जाती है पानी रोकने के लिए, इधर भी पड़ी हुई है। क्यों बाबू? पानी भरा जाएगा फिर इसमें? हाँ पानी कोई नहीं करता। तो चलिए हम लोग, अभी है काफी दूर घर से, अभी गांव हमारा काफी दूर है। हाँ। तो यहाँ देखिए खेत में बच्चे वो खेल रहे हैं, कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अरे वो है ये गन्ना खड़ा हुआ है, इधर देखिए ये बरसीम हुई है। बरसीम तो काफी बड़ी हो गई है, क्यों बाबू? ये बरसीम है, इसे जानवर को खिलाते खिलाया जाता है, काट के भैंस जो खाती। घर है वहाँ पे, देखिए इधर पीछे आलू गड़े हैं अभी जल्दी, और इधर देखिए ये आलू हैं जो जम चुके हैं, बाहर निकल आए। ऐसे आलू गाड़े जाते हैं, पानी लगाया जाता है उसमें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर। अरे बाबू, अरे इधर मम्मी है, देखें हम लोग अपने घर आ चुके हैं और देखते हैं बाबू। देखे देखिए गेट बंद है इधर, इधर भी यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये है यहाँ पे देखिए, अभी ये यहाँ पे कपड़े वपड़े उतार रही हैं। तो बाबू आ गया खेत से, देखिए ये भूखा है काफी, कह रहा था खाना नहीं बनाया। क्यों बाबू? मम्मी ने खाना नहीं बनाया? तो तुम मिट्टी कहाँ से लगा लाए? नहाने धोए देखिए कैसे हो गए आप। तो अब ये इनके कपड़े ही नहीं सिल पाए हैं। कैसे सिल पाएंगे? इतनी डिजाइन बनवाते हैं। डिजाइन बनवाते हैं तो फिर वैसे ही बनाया करो जल्दी। बाबू भूखा है, उसके लिए खाना बनाया। वो अभी वहाँ खेत पे पूछ रहा था, क्यों बाबू? मम्मी से पूछो खाना क्यों नहीं बनाया अभी, मैं आप भूख लगी है। चलिए बनाइए चल के खाना आप नीचे। तो बाबू के लगी थी भूख, खाना था नहीं घर पे,
तो बाबू खा रहा है बिस्किट, पार्ले जी 5 वाला। क्यों बाबू भूख लग गई थी? दोस्तों को दे दो। तो हेलो दोस्तों, मैं बिस्किट खा रहा हूँ, आप भी खा लीजिए। तो चलिए भाई, बाबू खाएगा बिस्किट, अब मम्मी बनाएंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सुबह सुबह देखिए यहाँ पे काफ़ी कोहरा पड़ रहा है। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।